नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूरेंट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फ्यूरेंट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फ्यूरेंट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फ्यूरेंट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फ्यूरेंट एक ब्रांड नेम है। फ्यूरेंट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg होता है। फ्यूरेंट टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। फ्यूरेंट टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से पेशाब में इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब से बदबू आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब में खून आना आदि लक्षण पेशाब में इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। और यदि पेशाब का इन्फेक्शन किडनी तक पहुँच जाता है तो उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, कमर में दर्द होना और बुखार होना आदि लक्षण भी पेशाब में इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। फ्यूरेंट टैबलेट पेशाब में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती है और पेशाब के इन्फेक्शन को ठीक करती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फ्यूरेंट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फ्यूरेंट टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त होना, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना और त्वचा पर रैशेस होना आदि साइड इफेक्ट्स फ्यूरेंट टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूरेंट टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। फ्यूरेंट टैबलेट को खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद लेना रिकमेंडेड होता है। फ्यूरेंट टैबलेट एक सस्टेन रिलीज टैबलेट है जो शरीर में धीरे धीरे रिलीज होती है, और सस्टेन रिलीज दवाओं का असर 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रहता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फ्यूरेंट 100 mg टैबलेट को दिन में केवल 2 बार ही लेने की सलाह देते हैं। फ्यूरेंट टैबलेट को डॉक्टर 7 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। फ्यूरेंट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको फ्यूरेंट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूरेंट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिवर और किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर फ्यूरेंट टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना फ्यूरेंट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वैसे फ्यूरेंट टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फ्यूरेंट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फ्यूरेंट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।